completely viral on social media, especially where people have given so many views to that particular interview. A lot of people got in touch with you to get comments from your side. And I know, we all know that you chose not to speak about it. So what made you come out and again talk about it and share what you think? पहली बात तो ये कि मैंने इनिशियली कई सारी चीज़ों को सीरियसली लिया ही नहीं जी. मुझे कुछ चीज़ें मुझे खटकी जब वो क्लेम करती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी या मेरी दोस्त थी जी. वो चीज़ मुझे खटकी. उन्होंने इतनी सारी बातें बोली, मुझे ड्रग एडिक्ट तक बुलाया उन्होंने. उन्होंने कि आपने उन्हें इन्फ्लुएंस भी किया, इन्फ्लुएंस किया ड्रग्स लेने को जी. ठीक है, तो आई वॉज हियरिंग ऑल दिस. ये पैथोलॉजिकल जो लायर, पैथोलॉजिकल लायर मतलब एक इंसान जिसको झूठ बोलने की इतनी बुरी बीमारी है जी. कि वो धड़ल्ले से सबके सामने गंदे से गंदा भी झूठ बोल देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक रत्ती भर के दिमाग में, उनके माइंड में आएगा भी नहीं, कॉन्शियंस नहीं आएगा कि जो मैं बोल रही हूँ ये गलत है और मुझे नहीं करना चाहिए. क्योंकि उनके लिए पैसा, पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं. और कंप्लीट लैक ऑफ एम्पथी, एक इंसान और इंसान के प्रति एक बिल्कुल मतलब डिस्कनेक्शन, यू नो. तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मुझे एक चीज़ खटकी क्योंकि मैं अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को बहुत ध्यान से चुनती हूँ. ना मैं अपना दोस्तों को ऐसे ही चुन लेती हूँ, ना दुश्मनों को चुनती हूँ. मैं चुनती भी हूँ किसके साथ मुझे झगड़ा करना है, जो मुझे जहाँ लगता है कि मुझे इस झगड़े में पड़ना ही नहीं है. चाहे तुम कुछ भी बोलते रहो, मैं एक कान में घुसा के दूसरे कान से निकालती रहूंगी. मुझे झगड़ा भी नहीं करना है तुम्हारे साथ जी. क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मुझे इस, वो कहते हैं ना कि कीचड़ में तुम सुअर के साथ झगड़ा करोगे तो तुम गंदे हो जाओगे, लेकिन सुअर को बहुत मजा आएगा. तो ये फिलॉसफी मैं हमेशा याद रखती हूँ. तो मैंने ये सोच के मैंने इनिशियली रिएक्ट ही नहीं किया, लेकिन जब बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया, बाकी उनके वीडियोज़ में उन्होंने मीटू का पूरा मूवमेंट को उन्होंने झूठ बतला दिया है. मतलब ये जो औरतें सामने आई हैं, इस पूरा उन्होंने ऐसा बोला कि ये तो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जिनको काम नहीं मिल रहा, वो ऐसा करे. तुम कौन हो? तुम भी तो स्ट्रगलिंग ही हो. पिछले एक हफ्ते में तुम्हारे बारे में मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे सारी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज हो चुकी हैं बैंक के पास, तुम्हारे किसी ने तुमको फ्रॉड करके तुम्हारा सारा पैसा हड़प लिया, तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे हैं बिल्कुल, तुम्हारा अमेरिका का वीज़ा कैंसिल हो गया, इससे तुम अमेरिका जाके भी काम नहीं कर सकती, तुम्हारा तुम्हारे ट्रांसजेंडर होने के भी बहुत स्ट्रांग रूमर्स हैं इंडस्ट्री में, पीपल नो दैट यू आर ट्रांसजेंडर वुमन एंड सो मेनी थिंग्स. हाँ, कास्टिंग काउच, तुमने खुद अपने वीडियोज में आके, पुराने इंटरव्यूज और वीडियोज में तुमने खुद एडमिट किया है कि तुम पूरी तरह के कास्टिंग काउच में तुम इन्वॉल्व रही हो. तुमने ये तक बोला है पुराने इंटरव्यूज में कि अगर तुमको कोई काम देगा तो तुम कास्टिंग काउच करने को भी तैयार हो. ये दिस इज योर ट्रूथ राखी. तुम आज साड़ी पहन के इंटरव्यूज दे रही हो, मुझ पर कीचड़ फेंक रही हो, अपने गिराबान में झांक के देखो कि तुम क्या हो, तुमने क्या किया, क्या क्या किया है लाइफ में और क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ है. मैं नफरत नहीं करती हूँ उससे, आई हैव कंपैशन फॉर हर क्योंकि शी इज सो मिसगाइडेड इन लाइफ. उसका जो मेंटेलिटी है, उसकी जो सोच है, उसका थॉट प्रोसेस इतना बंधा हुआ है कि अब उसको सच और झूठ में फर्क महसूस करना वो भूल चुकी है. जब तुम्हारी अंतरात्मा इतनी बंद हो चुकी है और इतनी मृत्यु हो चुकी है तुम्हारे अंतरात्मा की, तो तुमको फर्क ही समझ में नहीं आएगा कि क्या सच है, क्या इल्यूजन है, क्या हेलुसिनेशन है, क्या क्या है क्या. कुछ भी तुम बोल रहे हो और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो जी. I feel compassion for you because you are damaging yourself much more than you're damaging me. I'm not getting damaged.